बुरहानपुर जिले की नेपा नगर विधायक सुमित्रा काजडेकर की मार्कशीट फर्जी बताई जा रही है, जिसे लेकर एक बार फिर विधायक की मुश्किल बढ़ते नजर आ रही है। भाजपा से निष्कासित नेता प्रवीण काटकर ने अपने वकील के माध्यम से कलेक्टर से शिकायत दर्ज की है। वहीं इसके संबंध में प्रवीण काटकर ने महाराष्ट्र स्थित स्कूल से जानकारी निकाली है। स्कूल प्रबंधन ने भी प्रमाणित किया है कि इस नाम की छात्रा उनके स्कूल में कभी पढ़ी ही नहीं है। यह सब आने वाले चुनाव से पहले विधायक को मुश्किलों में डाल सकता है। मैडम, नेपा नगर में सुमित्रा काजडेकर विधायक के खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और जांच भी नहीं हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी ने उन पर आरोप लगाया था कि उनकी जो जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैम, जो याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई थी तो उसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, और उसके अलावा जो शिकायत प्राप्त हुई है उस शिकायत के संबंध में अलग से पृथक से प्रतिवेदन के लिए एसडीएम को भेजेंगे। द्वारा पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय पर शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सुमित्रा काजडेकर के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मैंने शिकायत दी थी। माननीय कलेक्टर महोदय ने यह शिकायत नेपा नगर एसडीएम को जांच के लिए दी थी। एसडीएम महोदय ने जो 2019 में जांच की थी, उसी जांच को पुनः जो है माननीय कलेक्टर महोदय के पास प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रति मुझे दी गई थी। मेरे द्वारा आज जनसुनवाई में उपस्थित होकर के माननीय कलेक्टर महोदय को पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया है, और मेरे द्वारा दो डॉक्यूमेंट्स आज प्रस्तुत किए गए हैं पुनः, जिसमें एक में उस स्कूल के हेडमास्टर प्रधान पाठक द्वारा जो है दो प्रमाण पत्र दिए हैं, जिसमें एक में सुमित्रा लाबू नाम की ऐसी कोई विद्यार्थी नहीं है, और दूसरा कुमारी बाली लाबू सेमलकर नाम की विद्यार्थी यहां पढ़ती थी और उसने कक्षा 8वीं पास की है। यह भी एक जांच का विषय है। दोस्तों, न्यूज चेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।